नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सस्केन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी का एनालिसिस करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उस बेस पर आप उस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस हिसाब से देखेंगे, काफ़ी सारा स्टॉक में करेक्शन चल रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक है, उसमें गिरावट चल रहा है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि आप वो स्टॉक को सेल करके निकल जाना चाहते हैं, लॉस में हैं, काफ़ी लॉस में हैं, उसमें कोई स्ट्रेटेजिक मैच नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप मेरे साथ में भी जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप मेरे साथ में अगर कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी अगर मैच होता है तो उस हिसाब से मैं आपको वो लेवल बता सकता हूँ कि कौन सा लेवल तक वो स्टॉक प्राइस जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे इस सास्किन टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कंपनी करती क्या है और कौन सी इंडस्ट्रीज में इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और कंपनी कब का है। कंपनी के बारे में अगर बात करेंगे, ये जो कंपनी है 1989 को स्टार्ट हुआ था, जो कि इंडियन कंपनी है, और कंपनी जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, ये जो इंडस्ट्री ऑफरिंग करते हैं, यहाँ पे सेमीकंडक्टर और यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में है, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल को भी ऑफर करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल है, यहाँ पे सेटकॉम है, टेलीकॉम है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, ये जो कंपनी है और इनका जो काम होता है, ये काम कहाँ पे होता है, वो 1989 को स्टार्ट हुआ था, और ये कंपनी जो है, कंपनी का जो काम है, कंपनी का काम अगर आप देखेंगे कहाँ से रेवेन्यू आता है, कंपनी का मेनली जो रेवेन्यू आता है, यहाँ पे इंडिया से ओनली 29% का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इनका जो मेनली फोकस है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे इंक्लूडिंग का अमेरिका, यहाँ पे कनाडा को लेके 35% का रेवेन्यू यहाँ से आता है, उसके बाद में यूरोप से 19% का रेवेन्यू आता है, और बाकी कंट्रीज से 17% का रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी का अगर हम यहाँ पे जाके बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में और बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर भी चेक करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ये कंपनी में रिवर्सल आना है तो स्टॉक कहाँ तक आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो आखिर में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर देखेंगे एक स्मॉल कैप इंडस्ट्री है जो कि 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका अगर पी देखेंगे, अभी 11 PE पे स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है। अगर आरओसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 28% का आरओसी है, और यहाँ पे प्रमोटर प्लेस के बारे में बात करेंगे तो 0% प्रमोटर प्लेस है। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 43% का होल्डिंग है, और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है फ्रेंड्स, और बुक वैल्यू देखिए ओनली 408 बुक वैल्यू है। उस हिसाब से यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 959 का है, और स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखिए 1529 है, और स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 959 पे। ठीक है, काफ़ी करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। अगर इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, क्यों गिर रहा है स्टॉक, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 106 करोड़ का है, यहाँ पे सेल्स पोस्ट किया है। लास्ट दिसंबर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 114 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया हुआ था, जो कि डिक्लाइन नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 34 करोड़ का लास्ट दिसंबर में यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया था, अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 30 करोड़ का, जो कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट जरूर आया है। अगर लास्ट 4 क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सबसे बेहतरीन प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि 163 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे, यहाँ पे 435 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक में अगर आप 10 साल के लिए रिटर्न देखेंगे, यहाँ पे 24% का सीएजीआर स्टॉक में रिटर्न दिया है। तो इसका अगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 599 करोड़ का रिजर्व है। अगर बोरिंग के बारे में बात करेंगे, ओनली 1 करोड़ का बोरिंग है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसमें अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एफआई का होल्डिंग जबरदस्त होल्डिंग है, जो कि 18.86% का होल्डिंग है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, ये चीज़ को भी नोट करेंगे, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे एफआई ने थोड़ा सा स्टेक सेल किया है, जो कि करीबन 2% तक का। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्प्लॉय रिटर्न फंड है जी, यहाँ पे 2% का यहाँ पे एफआई का स्टेक सेलिंग है। तो इस हिसाब से अगर फ्रेंड्स हम देखेंगे स्टॉक में आज के दिन में कितना परसेंटेज का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, आज के दिन में अगर देखेंगे स्टॉक जो क्लोजिंग हुआ है 962 पे क्लोजिंग हुआ है, टेक्नोलॉजी स्टॉक है सेक्शन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे अगर हम आज के दिन का डिलीवरी की बात करेंगे, 60% का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 57,000 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, 34,000 क्वांटिटी डिलीवरी उठाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं कि स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है फ्रेंड, देखिए स्टॉक में काफ़ी करेक्शन चल रहा है, काफ़ी भारी गिरावट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ चुका है, गैप अप यहाँ पे है
गैप डाउन ओपनिंग गैप डाउन हुआ है, तो यहाँ पे इसके बाद में स्टॉक में काफी भारी गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर में भी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आईटी सेक्टर की कंपनी है, ये स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, अगर किसी के पोर्टफोलियो में है उनके मन में काफी सारा डाउट है स्टॉक को सेल करके निकल जाएंगे, तो मैं उनको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ तक आपका प्राइस आ सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे जब स्टॉक में बाइंग हुआ था एक बहुत बड़ा काफी दिन पहले बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ में स्टॉक का बाइंग हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जरूर रिवर्सल आएगा, यहाँ पे कुछ दिन के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्युमुलेशन रेंज पे आएगा स्टॉक, यहाँ पे रेंज पे एक एक्युमुलेशन करेगा, उसके बाद में जो स्टॉक का है स्टॉक का रिवर्सल आएगा और ये उसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है तो इसका जो टारगेट है यहाँ तक जरूर आ सकता है, जो कि 1221 तक। ठीक है, अगर आपकी किसी के पास में स्टॉक है, अगर आप इसमें से एग्जिट लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक कोई बुरा नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है, भले छोटी कंपनी है, तो ये स्टॉक में अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ से आपको 27% का गेन मिल सकता है। अगर आप लॉस में निकलना चाहते हैं तो ये स्टॉक को होल्ड कीजिए, यहाँ तक का ये स्टॉक का प्राइस जरूर आ सकता है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक को लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा कंपनी है, रिस्क जरूर है, तो ये स्टॉक में अपना एनालिसिस का हिसाब से आप स्टॉक को जरूर होल्ड कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे वीकली चार्ट के बारे में, फ्रेंड्स देखिए स्टॉक में काफी एक गिरावट भी हुआ था, क्योंकि जो स्मॉल कैप स्टॉक होता है ना बहुत वोलेटाइल होता है। अगर 2014 को बात करेंगे, यहाँ पे 2014 को जब यहाँ पे स्मॉल कैप में एक बूम आया था, ये स्टॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक का 2018 तक का 700% का रिटर्न भी दिया था स्टॉक में। ठीक है, भारी तेजी देखने को मिला था स्मॉल कैप सारे स्टॉक में, तो इसी हिसाब से स्टॉक में गिरावट भी जब होता है ना, स्टॉक गिरता भी बहुत तेज गिरता है, तो इसी हिसाब से आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर चेक करना है। स्टॉक यहाँ पे 70% तक गिर चुका था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आपका खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक को बाय करिए। ठीक है, और मेरा ये कहना है अगर आपको स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आप यहाँ तक जरूर होल्ड कर सकते हैं, ये प्राइस जरूर यहाँ तक रिबाउंड हो सकता है। ठीक है, जो कि आपका ये लेवल है। ठीक है, ये जो लेवल है 1219 का लेवल तक आप अगर होल्ड करेंगे ये प्राइस जरूर आ सकता है। अगर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो भी बाय करके चल सकते हैं, इसका जो टारगेट रहेगा यहाँ तक रहेगा, लेकिन कोई भी स्टॉक में बाय क्या और सेल का रिकमेंडेशन मेरा नहीं है। कोई भी स्टॉक बाय और सेल करने से पहले खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय ले लीजिए, उसी बेस पे आप स्टॉक को बाय कीजिए या तो फिर सेल कीजिए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में आप अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर पे मेरे साथ में जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यूली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अगर जानना चाहते हैं, या तो फिर इन्वेस्टमेंट का राय लेना चाहते हैं, आप एक व्हाट्सअप नंबर में जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।